हाँ जी स्टूडेंट, इस चैप्टर तो जिहड़ा जो अपना लास्ट टॉपिक है दैट इज़ पेजिंग, तो शुरू करते हैं। सब तो पहला पेजिंग होंगी की है। पेजिंग इज़ अ मैमरी मैनेजमेंट स्कीम इन विच द फिजिकल मैमरी एलोकेटेड टू अ प्रोसैस इन नॉन कंटीजियस। कल जिमें कि तुम्हें याद हो कल आप फिजिकल तो लॉजिकल मैमरी की थी। पेजिंग दे विच की हुंदा जिहड़ी फिजिकल मैमरी हुंदी है उन्हें नॉन कंटीजियस दे विच प्रोसैस दे विच अप्लाई किया जाता है। इन दिस अप्रोच फिजिकल मैमरी इज डिवाइडेड इन टू फिक्स साइज ब्लॉक कॉल्ड फ्रेम। जिहड़ी फिजिकल मैमरी हुंदी है मतलब सेकेंडरी स्टोरेज हुंदी है उन्हें ब्लॉक्स दे विच वंडिया जाता है जिन्हें फ्रेम किया जाता है। एंड द लॉजिकल मैमरी जिहड़ी अपनी मेन मैमरी है इज डिवाइडेड इन टू फिक्स साइज ब्लॉक कॉल पेजिज। मतलब फिजिकल मैमरी में जोड़े ब्लॉक्स डिवाइड किया जाता उन्होंने फ्रेम किया जाता है, तो लॉजिकल मैमरी में जिन्हें भी डिवाइड किया जाता उन्होंने पेजिज किया जाता है। वेखो नीचे डायग्राम बनया हुआ। सब तो पहला लॉजिक एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसैस ए साइज 10 KB के आ दो के दे ब्लॉक बने हुए हैं। पेज 0, 1, 2, 3, 4 मतलब एक प्रोसैस है ए वे 5 पेजिज है जो 2 किलोबाइट के है। एक प्रोसैस बी है जिसे 3 पेजिज है जो 6 किलोबाइट के है। तो इन्हों की मैपिंग की हुई है विद लॉजिकल फ्रेम, फिजिकल एड्रैस के जगह दी हुई है। द साइज ऑफ द पेज इज सेम एज दैट ऑफ द फ्रेम। पेज का तो फ्रेम का साइज सेम होंगे। फ्रेम याद है ना, फिजिकल मैमरी जो डिवाइड किया है वो अपने फ्रेम है, लॉजिकल मैमरी डिवाइड किया पेज है, दोनों का साइज जो होगा सेम होगा। वैन एवर अ प्रोसैस इज टू बी एग्जीक्यूट इट्स पेज आर प्लेसड और लॉडेड इन टू अवेलेबल मैमरी ऑफ फ्रेम। जो भी कोई प्रोसैस एग्जीक्यूट होंगी पेज चुक के जो फ्रेम खाली होंगे वो लोड कर दिया जाता है। इट मीनस पेज इज़ मैप्ड इन टू फ्रेम, मतलब पेज में आप मैपिंग करके कितने लै जाने फ्रेम के लै जाने। जिमें कि आ डायग्राम के जिहड़ियां एरो शो हो रही है मतलब आप मैपिंग की है। इंडिविजुअल पेजिज एंड फ्रेम्स आर रेकोगनाइज बाय यूनीक नंबर एज पेज नंबर एंड फ्रेम नंबर रिस्पैक्टिवली। जिन्हें अपने फ्रेम है जिन्हें पेज है उन्होंने यूनीकली नंबर लगे होंगे जिन्हों तो वो एक दूजे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दस अ पेज नंबर फॉर्म अ पेज ऑफ लॉजिकल एड्रैस एंड फ्रेम नंबर फॉर्म अ फिजिकल एड्रैस। जिहड़ा पेज का एड्रैस लॉजिकल होंगे उन्होंने लॉजिकल एड्रैस स्पेस कह देते हैं, फिजिकल फ्रेम के एड्रैस फिजिकल एड्रैस स्पेस कह देता है। अ लॉजिकल एड्रैस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, जिहड़ा लॉजिकल एड्रैस होंगे वो 2 पार्ट्स होंगे, एक पेज नंबर तो एक पेज ऑफसैट। आ पेज ऑफसैट इज़ द डिसप्लेसमेंट। पेज ऑफसैट की होंगे मतलब आप डिसप्लेस करते हैं पेज में मेन मैमरी चुक के आप फिजिकल मैमरी के जाके लोड करते हैं। देखो आ बनया हुआ पेज नंबर तो पेज ऑफसैट, लॉजिकल एड्रैस स्पेसिंग है। फिर उस बाद फिजिकल एड्रैस स्पेस इज ऑलसो कंसिस्ट ऑफ, यह भी 2 हिस्सों वंडी होंगी है, फ्रेम नंबर तो फ्रेम ऑफसैट। वो पेज नंबर तो पेज ऑफसैट से, यह फ्रेम नंबर तो फ्रेम ऑफसैट है। उस बाद आ गया मैपिंग ऑफ पेजिज टू फ्रेम और एड्रैस ट्रांसलेशन। द मैपिंग ऑफ लॉजिकल एड्रैस टू फिजिकल एड्रैस, आप पिछे किया मैपिंग मतलब जो आप पेज में चुके फ्रेम से लैके जाने। द मैपिंग ऑफ लॉजिकल एड्रैस टू फिजिकल एड्रैस इज प्रोवाइडेड बाय यूजिंग अ पेज टेबल कॉन्टीन्यूड बाय स्पेशल हार्डवेयर कॉल मैमरी मैनेजमेंट यूनिट। एक पेज टेबल होंगे, पेज टेबल के एंट्री चैक की जाती भी कि पेज में आप फ्रेम के मतलब मैमरी के लैके जाना है। द मैथड ऑफ कन्वर्टिंग अ लॉजिकल एड्रैस इन टू कोरसपोंडिंग फिजिकल एड्रैस इज नॉन एज एड्रैस ट्रांसलेशन। जिहड़ा ये मैथड है आप लॉजिकल एड्रैस में चुके फिजिकल एड्रैस लैके जाते हैं, इनू की कहा जाता है एड्रैस ट्रांसलेशन। द पेज टेबल हैज़ 1 एंट्री फॉर ईच पेज ऑफ द प्रोसैस एंड इंडीकेट द स्टेटस ऑफ द ईच पेज। पेज टेबल के हरेक पेज की एंट्री होगी, मतलब मेन मैमरी के जिन्हें पेज पे है उन्होंने एंट्री होगी पेज टेबल के। ईच एंट्री ऑफ पेज टेबल यूज टू स्पेसीफाई वैदर द पेज हैज़ बीन एलोकेटेड सम स्पेस इन मैमरी और नॉट फिजिकल मैमरी। हुण पेज के नाल ऐ भी लिखा होगा भी ये पेज जिहड़ा हैगा फिजिकल मैमरी हैगा या फिर नहीं हैगा। इस स्पेस इज एलोकेट द पेज इज स्पेसीफाइड इन द फ्रेम प्रेजेंट। जे एलोकेट किया होगा तो फ्रेम के एक पर्टिकुलर जगह बनी होगी। उस तो बाद देखो अपने को एक डायग्राम बनया हुआ है। डायग्राम के अपने को CPU है। CPU तो पहला अपने को पता है, मैं तुम्हें दस्सिया पेज नंबर होंगे तो ऑफसैट होंगे। पेज नंबर तो ऑफसैट, ऑफसैट जो होंगे अगे की होंगे फ्रेम नंबर तो वह ऑफसैट। पेज नंबर का ऑफसैट फ्रेम नंबर के ऑफसैट को जाता है। विचाले आप एक पेज टेबल होंगे, पेज टेबल के सारिया एड्रैसिज होंगे जी, एड्रैस चैक होकर फिजिकल एड्रैस जाता है, एंड तो सारिया एंट्री चैक होकर फिजिकल मैमरी जाती है। ये डायग्राम तुम्हें करना ईजी है डायग्राम। आफ्टर द फ्रेम नंबर इज फैच इन टू द पेज टेबल, जो आप फ्रेम नंबर मिल जाता है इट इज़ कंबाइंड विद पेज ऑफसैट। पेज ऑफसैट नाल दे कंबाइन करके इनू जिहड़ा अपना एड्रैस जिहड़ा जनरेट किया जाता है। द पेज साइज और द फ्रेम साइज डिफाइंड बाय द हार्डवेयर इज ऑलवेज द पावर ऑफ 2। कहते जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होंगे वही पेज के फ्रेम का साइज डिक्लेयर करता है, हमेशा पावर 2 लगती है।
The page size and the frame size is always power 2 because this make the division of logical address to the page number and page offset. क्योंकि logical division करनी की हो जाती है आपां नूं सौखी हो जाती है। ये बस तुसी इन्ना ही करना है। इहदे बाद नीचे shown the example of page schema देखो एक example बनी हुई है। सब तो पहला logical memory है। logical memory च देखो block बने हुए हैं चार चार दे। पहला पेज जीरो जिहदे विच चार ब्लॉक है ए बी सी डी, फिर पेज वन है जिहदे विच चार ब्लॉक है ई एफ जी एच, पेज टू आई जे के एल, पेज थ्री एम एन ओ पी, चार चार दे ब्लॉक बना ले, एड्रैस वैल्यूज़ देती है जीरो टू चार, चार तो अठ, अठ तो बारह, ठीक है जी। उदू बाद देखो पेज नंबर की एंट्री दिखाई हुई है, किहड़ा पेज हैगा मैमरी दे विच, पांच छे एक दो, पांच छे एक दो मतलब एक तो चौथे चो आ गया, पांच ते छे इहदे चो आ गए दोने, ते एक ते दो, इन्हां दी एंट्री जिहड़ी है पेज टेबल दे विच है। इदू बाद जो अगे जाने देखो इदू बाद सीधा फिजिकल मैमरी दिखाई हुई है, फिजिकल मैमरी के भी उन्नी चार चार के फ्रेम बनने, आप क्या सी ना पेज नंबर तो फ्रेम जोड़े है इको साइज़ के होने, तो देखो ये भी चार चार के सैट बने हुए हैं। तो हूँ उत्थे अपने को देखो ए बी सी डी दिता हुआ सी, चार तो लैके अठ तक, जीरो तो लैके चार तक, तो यह किसी भी फ्रेम च जाके सैट हो सकते हैं। देखो फ्रेम नंबर बनाए हुए हैं चार चार के सैट है, देखो भी तो चौबी तो ए बी सी डी ई सैट किया हो, चौबी तो अठाई तक ई एफ जी एच, मतलब चार चार के फ्रेम च मैमरी जाके इन्हों कि भी एलोकेट कर सकते हो। तो यह की दिखाया हुआ है भी जिन्हें भी अपना मैमरी लॉजिकल एड्रैस होंगे उन्होंने आप पेज टेबल तो एंट्री चुक के जोड़ा है फिजिकल एड्रैस पेज के दिखा सकते हैं। तो जो जीरो एक दो तीन है मतलब अपने जीरो एक दो तीन चार ब्लॉक ही है, देखो लॉजिकल मैमरी के गिनो, जीरो तो चार एक है, चार तो अठ दो, अठ तो बारह तीन, बारह तो जिहड़ा अगे सोलह तक जाऊगा चार, मतलब चार ब्लॉक है, चार ही ब्लॉक इसकी जिहड़ी एंट्री है वो अपनी फिजिकल मैमरी के दिखाई गई है। पेजिंग स्कीम के बस तुसी इन्ना ही करना है, ये तुहाडा लास्ट टॉपिक सीगा इसका, अगे आप करांगे नैक्सट टॉपिक जिहड़ा अपना है वर्चुअल मैमरी।